पीछे संभालना। भाई इधर, भाई इधर, भाई इधर, भाई 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 शिव भाई, कलर बहुत। आप सभी के लिए भी पार्टी रख रहे हैं, जाने का नहीं, बिना खाए बिना बस बस भाई भाई सब आ रहे हैं। यस अब्दू भी आएगा साथ, सब लोग आएंगे। अक्षय ब्रो शिव काफी वार्म वेलकम मिला है। जी 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 आप उसके बारे में क्या कहना चाहोगे, वार्म वेलकम आपको यार तुम लोगों के लिए पार्टी रखी है मैंने, और वेलकम क्या तुम्हारा वेलकम के लिए मैं थोड़ा जल्दी आना चाहिए था, बट एक अवार्ड फंक्शन अटेंड करके आया हूँ, और दिल से शुक्रिया। और कोई भी मैं बता रहा हूँ दिल से, खाना खाए बिना पिए बिना जाने का नहीं, सब लोगों का अरेंज किया हुआ है, और ये अपनी पार्टी है सबकी, मेरी पार्टी नहीं है, ठीक है, और सिर्फ सेलिब्रिटी की पार्टी नहीं है, अपनी पार्टी है, ये ध्यान में रखना, कोई खाए बिना नहीं जाएगा। ओके यस सर, सबसे बड़ी बात है आपको अपनी गाड़ी ली, उसके चलते पार्टी है, जब जैसा आपने तभी भी मुझे कहा था ये पार्टी, तो थैंक यू सो मच, गाड़ी की पार्टी नहीं, ऑल ओवर पार्टी है कि सबको गुड लक मिले, सबका काम चालू हो गया है बहुत अच्छे तरीके से, शायद इसके बाद सब लोग बिजी हो जाएंगे, तो एक लास्ट एक गेट टुगेदर करके सब अपना अपना काम अच्छे से करे और बेस्ट कर। यस यस काफ़ी लोगों के काम के बारे में बाहर आ जी, आपके जो खतरों के खिलाड़ी को लेके काफ़ी चर्चा हुई, उसको लेके आप क्या कहेंगे? यार मैं हमेशा बोलूँगा ऑलमोस्ट हो ही चुका है, बट पूरी तरह मैं बाद में बताऊँगा, शायद वहाँ पे दिख जाऊँगा तो ज़्यादा मज़ा आएगा ना, तो थोड़ा वेट करो, बट अच्छी चीज़ है कोई जो भी मैंने फाइनल। वो भी कड़क आदमी है, मैं भी कड़क थोड़ा थोड़ा, तो जमेगा ना यार। मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी खतरों के लिए रहेगी, अगर लॉकअप और इसमें रहे तो खतरों के लिए फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी। जी मैं ज़रूर करूँगा यार, मतलब टीवी शो तो आपको पॉलिश कर करके आगे बढ़ाता है, और कौन नहीं बोलेगा, बट मैं कि अभी मैं जस्ट कुछ चीज़ों के लिए हाँ बोल चुका हूँ, वो चीज़ होने के बाद एक छोटी छोटी जंप लेते तो ज़्यादा मज़ा आएगा। बिल्कुल यार निमरित और मेरा, उसे भी करना है मुझे भी करना है, सबको काम किसको नहीं करना है, बट ये चीज़ डायरेक्टर सुन ले और बाकी जो प्रोड्यूसर वो सुन ले तो मज़ा आ जाएगा, और एक अच्छा सॉन्ग आ जाए। मुझे लगता है थोड़ा इंतज़ार कर लो, जो बोला है और कुछ लोग यहाँ पे आ जाएंगे, मुझे लगता है एक्शन में ज़्यादा मैं बिलीव करता हूँ बोलने से ज़्यादा, कुछ चीज़ आएगी जिसमें पूरी फ्रेम पूरी पिक्चर दिखेगी पूरी मंडली दिखेगी तो ज़्यादा मज़ा आएगा, थोड़ा वक्त। कुछ मिस नहीं कर रहा हूँ, बस अभी ये इंजॉय कर रहा हूँ, अभी क्या मिस हो गया, वहाँ पे जीना था वो जी लिया, अभी ये जी रहा हूँ सब कुछ जो लोग प्यार कर रहे हो, काम पे ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। जी यार मैं वही बोल रहा हूँ, थोड़ा इंतज़ार कर लो, कुछ चीज़ों के बाद एक फ्रेम दिखेगी आपको प्यारी सी और वो क्लियर हो जाएगा, कुछ चीज़ें होती है ना जो बाहर अलग चलती है अंदर कुछ अलग चलती है, तो अंदर आने दो, यहाँ अंदर वाली चीज़ मैं दिखाऊंगा तुम्हें, जो चीज़ पहले दिन से थी जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक मंडली वैसी रहेगी। ये जगह मेरे हमारे दोस्त की है, हमारे मेरे भाई जैसे बड़े भाई है वो, जो मेरे बिग बॉस के पहले से कांटेक्ट में थे, तो उन्होंने मुझे खुद होके बोला कि पार्टी रखनी है तो इधर रखना है, तो राज भाई, तो इसलिए उन्होंने बोला हक से, और मैं सोच ही रहा था कि पार्टी रखना है तो अपने करीब वालों के साथ पहले जाना मेरे को ज़्यादा अच्छा लगता है। जी बिग बॉस के एपिसोड नहीं देखे सच्ची में, वो देखना, मुझे लगता है जितने हम एक दूसरे से प्यार करते हैं ना सब लोग, जो 16 कंटेस्टेंट मिलते तो हग भी कर लेते स्माइल भी करते,
वो कर नहीं पाएंगे कि बहुत सारी चीज़ें दिखेंगी दूसरे रूम की, उससे अच्छा बेस्ट है कि जो अच्छी अच्छी चीज़ें रील में वो देखते हैं, उसे एंजॉय करते हैं, तो प्यार बढ़ते रहेगा, कम नहीं होगा, नहीं तो फालतू में एक दूसरे के सामने आएगा तो नफरत आ जाएगी ना। थैंक यू, लव यू, और पार्टी सबके लिए प्लीज फिर से बता दो। क्या अभी देखा नहीं, अभी पूरा अभी तक खत्म ही नहीं हुआ बट उसका।